जय माता दी बहनों, संगीत सागर में स्वागत है। आइए बहनों, सावित्री व्रत बरगदाही अमावस की पूजा करने चलते हैं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी। बहनों, ये प्रथा कब से हुई है ये तो आपको पता होना चाहिए। सावित्री ने सत्यवान के लिए 12 वर्ष तक उसी व्रत के नीचे पूजा किया और सावित्री ने सत्यवान के लिए ये व्रत किया था। अमावस्या के दिन उन्होंने ये पूजा की थी तो सत्यवान के प्राण वापस आए थे। इसीलिए बहनों, ये पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है, तभी से ये पूजा स्टार्ट हुई थी। आइए बहनों, आज मैं आपको बैठती हूँ और बताती हूँ कि कैसे पूजा करनी चाहिए। बहनों, जो आप पूजा विधि लेकर के थाली में गई हैं उसको लेकर के आप वट के नीचे बैठ जाइए। बहनों, ये हर सुहागिल को ये व्रत करना चाहिए, हर सुहागिल को ये पूजा करना चाहिए। बहुत ही सरल तरीका है पूजा करने का। इसमें कोई ये नहीं कि मेरे यहाँ पूजा नहीं होती, मेरे यहाँ पूजा नहीं होती है। इसमें जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये पूजा हर सुहागिल महिला को करनी चाहिए। जैसे करवा चौथ में हर सुहागिन महिला पूजा करती है, उसी तरह से बरगदाही अमावस की पूजा भी हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। आइए बहनों, बताते हैं कैसे ये पूजा होती है। सबसे पहले तो आप जल उठाइए और जो वट की जड़ है उस पर आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद बहनों, आगे उनके गौर रखिए। सबसे पहले तो बहनों, गौर की ही पूजा होती है, गणेश की पूजा। तो हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है और आप भी गौर की पूजा करिए। गौर रख करके आप जो आईपन ले गई हैं, आईपन को आप गोला बनाइए, उसी पे बीच में गौर रखिए। गौर रखने के बाद जो आप आईपन लिए हैं उससे आप 12 थाप जहाँ पर आप जल चढ़ाई हैं वहीं पे 12 थाप दीजिए। 12 थाप देने के बाद बहनों, जो आपने गौर रखी है उस पे आप सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाने के बाद जो आपने 12 थापे दी है उसमें भी आप सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने के बाद बहनों, फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ाने के बाद पैसा चढ़ाइए और जो आपने बरगद बनाया है, पूड़ियाँ बनाई है, उनमें से 6 पूड़ी 12 बरगद आप बरगद पे चढ़ाने के लिए निकालिए और बरगद पे चढ़ाइए। पहले गौर पे आप पूड़ी और बरगद चना चढ़ा दीजिए, फिर आप बरगद के तने पर चढ़ाइए। और जो आप माला बना करके ले गई थी वो माला आप गौर पे ही रख दीजिए, चढ़ा दीजिए और चने वट पे भी चढ़ा दीजिए। खरबूजा 6 पूड़ी 12 बरगद आप चढ़ा दीजिए और उतने ही अपने कोछे में डाल लीजिए। 12 बरगद 6 पूड़ी खरबूजा चने आप कोछे में डाल लीजिए। फिर उसके बाद बहनों, दीपक जलाइए, आरती करिए और जो आप कच्चा धागा ले गई थी उसको लेकर के आप खड़ी हो जाइए। 12 हाथ में चने ले लीजिए, कच्चे चने जो भींगे हुए चने होते हैं उनको हाथ में ले लीजिए और वो जो कच्चा सूत है उसको भी हाथ में ले लीजिए। बहनों, वट में बहुत सी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उस टहनी में आप धागे को लपेटिए। अगर आप 12 बार फेरी में धागे से लगा सकती हैं तो आप 12 बार लगाइए और हर राउंड में आप चना चढ़ाती जाइए। अगर आप 12 बार धागा नहीं लपेट सकती हैं तो जो जिस टहनी में आपने धागा लपेटा है उसी में आप 11 बार धागा लपेटिए और 12वीं बार पूरा धागा लपेट करके उसी जगह खोस दीजिए। और जो आपने 12 चने लिए हैं उनसे आप 12 फेरी दे दीजिए। बहनों, फिर उसी जगह आप बैठ जाइए और बैठ करके जो वहाँ का माली होता है वो माली आपको
वृक्ष से छोटी सी एक टेवनी देता है, यानी फूल देता है। उस फूल को आप छील लीजिए और उसको छोटा कर लीजिए, और 11 चने और एक टेवनी उसको ले करके आप साइड में बैठ जाइए। बनो उस टेवनी को और 11 चने को आपको चबाना नहीं है, उसको घुटक जाना है। पानी से आप घुटक जाइए। घुटकने के बाद आप फिर वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और बैठ करके आप सुहाग लीजिए, आरती अचवाइए, और जो आपने माला चढ़ाया था वहाँ पे, जो बड़ा वाला माला है, उसको आप, आपके पास अगर बहने बहने हैं, नंद भाभी हैं या देवरानी जिठानी है, तो एक दूसरे के गले में पहना दीजिए। अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप स्वयं अकेले हैं, तो आप गौर पे 12 बार छुआ दीजिए और छुआ करके अपने गले में माला पहन लीजिए। फिर बहनों उठ करके खड़ी हो जाइए और 12 बार जो वो वृक्ष है, उस वृक्ष का 12 बार भेंट करिए। जैसे अपने पति से भेंट करती हैं, उसी तरह से बरगद के वृक्ष में 12 बार आप भेंट करिए। भेंट करने के बाद बहनों जो कोछा है आप रख लीजिए, और दीपक की जो बत्ती है वो वहीं पर रख दीजिए, दीपक अपना वापस ले आइए। बहनों इस तरह से ये पूजा होती है, हमारे धर्म में तो इसी तरह से पूजा होती है, और सब महिलाएं ये पूजा करती हैं इसी तरह से। लगभग अब रिवाज को थोड़ा बहुत 19-20 तो अंतर होता है, लेकिन बहनों ये पूजा इसी तरह से होती है। अगर हमारी आपको पूजा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।